गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सोनबीर सिंह, ईएडी का ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का वेलकम करता हूं बच्चे। ठीक है, ये आपका यूपीपीसीएल टीजीटी 2, ठीक है ना, टीजीटी 2 का टेस्ट सीरीज है। टेस्ट पेपर चल रहा है बच्चे, 7:30 पे स्टार्ट हो जाता है। सबको मैं टाइमिंग बता देता हूं, कुछ बच्चे बीच में टाइमिंग पूछते रहते हैं। तो 7:30 डेली टेस्ट पेपर रहता है आपका, ठीक है ना, टेक्निकल प्लस नॉन टेक का रहता है। ठीक है, तो आज है आपका टीचर्स डे, तो मैं ईएडी की तरफ से आपको, ठीक है, आप अपने सभी सपनों को साकार करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, जो भी आप चाहते हैं फ्यूचर में, जो भी बनना चाहते हैं उसमें आप सफल हो, ठीक है ना, और जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो, एक गवर्नमेंट सर्वेंट बने। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर करेंगे सभी और सभी लाइव आएंगे दोस्तों। ठीक है, वीडियो को शेयर करते हुए सभी दोस्त लाइव आएंगे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई, लाइव आइएगा सभी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी वीडियो को शेयर करते हुए लाइव आएंगे। ठीक है, तो ये 7:30 पे आपका टेस्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें जो नॉन टेक वाला पोर्शन रहता है कंप्यूटर का, सेपरेट रहेगा, और जो बाकी का रहता है जैसे रीजनिंग हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, जीएस का, वो 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो भाई फटाफट कर दो, 100+ कर दीजिएगा सभी। संजय, जितेंद्र, संजू, जयश्री, शैलेंद्र प्रताप, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, और ईएडी की तरफ से आप सभी को शुभकामना है, आप जल्दी से जल्दी सभी सेलेक्ट हो। ठीक है भाई, स्टार्ट करें, वीडियो को शेयर कर दो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पेंट्री स्टोर स्कलरी, यानी कि भंडार संग्रह, ठीक है ना, बर्तन मांजने की जगह। तो आंसर क्या आएगा भैया, देखो, द पार्ट ऑफ किचन यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, ठीक है ना, जो स्टोरिंग ग्रेन्स का, अनटेंसाइल ग्रेन्स, अनटेंसाइल हो गया, इज कॉल्ड क्या बोला जाता है, पेंट्री बोला जाता है। द पार्ट ऑफ किचन यूज्ड फॉर वॉशिंग अनटेंसाइल इज कॉल्ड ए स्कलरी, ठीक है ना, बर्तन मांजने की जगह। पहले का डी आंसर आ रहा है, और ये सब बहुत ही अच्छी बात है, मुझे लगा आप लोग बी आंसर करोगे, ठीक है ना, डी, कमलेश और राकेश का, वेरी गुड। ठीक है भाई, दिल से दुआ है कि आप सभी जो भी मेहनत कर रहे हैं सभी का सिलेक्शन हो, माँ बाप के सपने साकार करो, और अपने जीवन में हमेशा आप बुलंदियों की तरफ बढ़ते रहो, ठीक है ना, बढ़ते रहो, कभी मेहनत करना बंद मत करो। जॉब लग जाए तो जॉब के बाद नहीं रुकना है। ठीक है ना, जॉब लग जाए, जॉब के बाद नहीं रुकना है, सेटिस्फेक्शन नहीं आने देना है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, चलो हो जाओ शुरू। पहला क्वेश्चन, वेरी गुड, सभी का डी आंसर आ रहा है, वेरी गुड भाई, 100+, पहला झटका 100+, दूसरे में 150, तीसरे में 200+। ठीक है ना, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और इधर क्वेश्चन की हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा क्वेश्चन, राधे कृष्णा, चलो भाई, 14:9 प्रोपोर्शनल 26, तो क्या होगा भैया, क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा। तो एक चीज देखते हैं यहां पे, अगर मैं 9 का डबल कर दूं, 9 × 2, 9 × 2 = 18, अगर माइनस का 4 कर दूं तो कितना आएगा भाई, 14 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर मैं 12 × 2 = 24 होता है, बट 15 × 2 = 30 करूंगा, 15 × 2 = 30, माइनस के 4 करूंगा तो 30 − 4 कितना आएगा, 26 आएगा। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, पहला ब्रेक 50, दूसरा ब्रेक 100, तीसरा 150 और 200, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम पूरी जान झोंक देंगे आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना, क्वेश्चन की हमारी गारंटी है, बाकी लाइव की और शेयर की आपकी गारंटी है। जितने बच्चे लाइव आते जाएं, वीडियो को लाइक करते जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे, ठीक है, हमें तो बस गुरु दक्षिणा में यही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, बाकी बस आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, आप टाइम से जॉब पा जाओ। चलो अगला क्वेश्चन, मास्टर, वेरी गुड, बढ़ते रहो आगे, मास्टर, तो भैया देखेंगे एम कितने पे आता है, 13 पे, ए 1 पे आता है, एस कितने पे, 19 पे, टी 20 पे, ई 5 पे, और आर आता है मेरे दोस्तों 18 पे।
ठीक है ना, ओ 15 पे, सी 2 पे, यू 21 पे, और वी 22 पे, जी 7 पे, टी 20 पे। ठीक है, तो 13 से 15 हो रहा है, ध्यान दो, ध्यान दो इधर, 13 से 15 एक से 3 पे आता है ये, एक से कितना हो रहा है 3, 2 बढ़ रहा है, 19 से 21 2 बढ़ रहा है, 20 से 22 2 बढ़ रहा है, 5 से 7 2 बढ़ रहा है, और 18 से 20 2 बढ़ रहा है, यानी कि प्लस 2 ऐड हो रहा है। क्लियर है, ऐसे लेवर का कोड निकाल देंगे। एल आता है 12 पे, 12 और 2 14, 14 पे क्या आ जाएगा एन, एन देखो किस ऑप्शन में आ रहा है, 3 में आ रहा है, ठीक है ना, बड़े प्यार से चलते हैं। और ए एक पे आता है, 2 ऐड करेंगे, 3, 3 पे क्या आएगा सी, तो सी एन सी केस कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन ए हो रहा है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया भाई, वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है ना। जो टीचर का मोटिवेशनल डोज होता है वो यही होता है, आप लोग ही, आप लोग लाइव रहोगे, स्पेशली टेस्ट सीरीज आपके लिए स्टार्ट की गई है, ठीक है ना, आपके सिलेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए ये मुहिम चलाई गई है, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइव रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो यहां देखोगे डिवाइड मीन्स क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, तो मैं यहां डायरेक्ट लगा देता हूं, डिवाइड का अर्थ प्लस, तो यहां पे लगा दिया मैंने प्लस, माइनस का अर्थ डिवाइड, तो माइनस का अर्थ कहां है, यहां पे डिवाइड कर देंगे माइनस का अर्थ, ठीक है, और कहीं नहीं है, इनटू का अर्थ है माइनस, तो यहां पे माइनस हो जाएगा और यहां पे माइनस हो जाएगा, प्लस का अर्थ है इनटू, तो यहां पे इनटू हो जाएगा, यहां पे इनटू हो जाएगा, और एक इनटू और बचा है, इनटू का अर्थ क्या था माइनस, तो यहां पे माइनस, इसे सॉल्व कर दो फटाफट, इसे सॉल्व करोगे तो 36 माइनस के 4 तो 32, 32 को 8 से डिवाइड करोगे 4, और भैया 4 माइनस 4 ऊपर बनेगा 0, जब ऊपर 0 बन गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर कितना भी हो डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, ऑप्शन ए जाएगा, वेरी गुड ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे भाई, वीडियो को शेयर करिएगा, ऑलवेज एक्स्ट्रा थिंकिंग संजू, जितेंद्र, संजय, प्रेम, राकेश, वीडियो को शेयर करो भाई, मजा नहीं आएगा तब तक, तब तक मेरा फ्लो नहीं बन पाएगा, ठीक है, वीडियो को शेयर करो, 100 पहुंचा दो, देखो फिर फ्लो देखो मेरा, ठीक है। 5035 क्या हो रहा है, ये 20 हो रहा है, तो ऑप्शन से चलना है, पहला ऑप्शन उठाओगे भैया इनटू इनटू चल रहा है, पहले ऑप्शन में क्या है इनटू इनटू है, अगर किसी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर जीरो, तो पहला ऑप्शन इसलिए गायब हो गया। अब चलते हैं बी पे, बी को देखते हैं लगा के माइनस, इनके बीच में माइनस, यहां प्लस और यहां पे इनटू, तो 5 या 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन भाई, फिलो मेरा तभी बन पाएगा जब 100 पहुंच जाएंगे, ठीक है, और ये आप ही के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करिए भाई। अगला क्वेश्चन, 380, 465, 500, 557, तो यहां पे देखना है, यहां पे देखेंगे मेरे दोस्तों, 380 से कितना हो रहा है, 380 से 465 हो रहा है, बढ़ रहा है, तो प्लस के 85 हो रहा है, यहां से यहां कितना हो रहा है, 465 से 557 हो रहा है, कितना 292 बढ़ रहा है, यहां पे देखेंगे 557 से 656 हो रहा है, तो कितना 601 106 बढ़ रहा है, यहां पे देखेंगे भाई, ठीक है ना, 762 हो गया 656 से, तो कितना 311 113 बढ़ रहा है, यहां पे देखेंगे कितना बढ़ रहा है, तो यहां पे बढ़ रहा है 875 हो गया 762 से, क्या गलत कर दिया क्या मैंने, 85 92, अरे यहां तो एक सेकेंड, 557 से 656 हुआ, तो कितना बढ़ा भाई ये 99 बढ़ा, यहां पे 99 आएगा, एक सेकेंड, 99 आएगा, ठीक है, और यहां से 656 से 762 हो रहा है, तो ये कितना 106 बढ़ रहा है, और यहां से ये कितना बढ़ा है फिर 113, और आगे का भी हमें पता नहीं है, डिफरेंस का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो यहां पे प्लस 7 बढ़ा है, यहां पे प्लस 7 बढ़ा है, यहां पे प्लस 7 बढ़ा है, और यहां पे प्लस 7 बढ़ा है, और यहां पे प्लस कितना बढ़ेगा बच्चे 7, 113 और 7 120 हो गए, 875 और 120 कितना हो गया 995 आंसर आ जाएगा, 995, ठीक है, तो 995 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई, सभी इस वीडियो को शेयर करो, 100 प्लस पहुंचाना है, हाँ। अगला क्वेश्चन,
325, 259, तो कितना कम हो रहा है भाई? तो यहां कम हो रहा है -K66। अब 269 से 204 हो रहा है, कितना कम हो रहा है? -K55। यहां पे कितना? -K44। यहां पे कितना? -K33। यहां पे कितना? -K22। तो यहां पे कितना कम हो जाएगा? -K11। तो भैया 4 और 1 9, तो 94 ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलेंगे, अगला क्वेश्चन चलेंगे भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? 85, 120, 75। तो यहां पे देखेंगे टटोल मटोल के क्या चल रहा है। अगर मैं कहूं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, यानी कि 20 × 5 कर दूं, ठीक है ना, 20 × 5 -K20 - K5 कर दूं, तो ये 20 × 5 = 100 होगा, 100 - K15, तो ये कितना आ जाएगा? 85। 85 आ गया, पैटर्न पता चल गया, तो 85 आ गया। ऐसे ही 24 × 6 कर दूं, -K24 - K6 कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 144 -K18, और इसे माइनस करोगे 144 में से 18, तो कितना आ जाएगा? 126 आ जाएगा। तो ये आ रहा 126, 85 आ गया। ऐसे सेम इसे ऑप्शन से उठाना पड़ेगा, 22 सत्य नहीं आएगा, 24 सत्य भी नहीं आएगा, तो कितना? 28 सत्य आ जाएगा। तो 28 सत्य, 28 × 7 -K, 28 - K7, इसे चेक करेंगे तो ये कितना बनेगा भाई? ये 196 -K 21, तो कितना बना? 175। कितना आ जाएगा? 175। तो ये आ गया 175, तो कितना था? ऑप्शन डी हो जाएगा, 28। अगला क्वेश्चन भाई, वीडियो को शेयर करो, कब तक चलता रहेगा ऐसे ही? अगला क्वेश्चन 8, 5, 4, 3, 6, 7, ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 3, 8 × 3 = 24 +K 1, तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ऐसे यहां देखेंगे 3 × 4 +K 1, 4 × 3 = 12 और 1 × 13 हो जाएगा। भाई वीडियो को शेयर करो संतोष। यहां देखेंगे 5 × 4 +K 1, 5 × 20 और 1 = 21 हो जाएगा। यहां पे चेक करोगे 6 × 5 +K 1, 6 × 5 = 30 और 1 = 31 हो जाएगा। और यहां पे देखेंगे 7 × 6, 7 × 6 = 42 +K 1, 43 हो जाएगा। और यहां पे चेक करोगे तो 7 × 8 +K 1, तो ये कितना? 7 × 8 = 56 और 1 कितना हो जाएगा भाई? 57 हो जाएगा। कितना? 57। ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 57 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बस एक झटका रह गया 100 पहुंचने में, बहुत बढ़िया। वैसे आपसे उम्मीद यही रहती है, आप कर देते हो उस काम को, ठीक है ना, आप उस काम को कर देते हो भाई। डायरेक्ट पढ़ो, हवाई जहाज कहां उड़ता है? हवाई जहाज कहां उड़ता है? आसमान में उड़ता है। तो आसमान को क्या बोला गया है? वो कह रहा वर्षा पानी है, पानी सड़क है, सड़क बादल है, बादल आसमान है। बादल क्या है? आसमान है। और आसमान क्या है? समुद्र। तो आसमान को क्या बोला गया है? समुद्र। तो भैया हवाई जहाज उड़ेगा समुद्र में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, 90 हो गए भाई। ऑलवेज एक्स्ट्रा थिंकिंग, थोड़ा और थिंकिंग लगाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ इसे आगे को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, NIFE का कोड बताना है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बताना है दोस्तों, ठीक है भाई। वीडियो को शेयर कर दो, 100 करोड़ दिल खुश, ठीक है, बस यही चाहिए अपने आप को, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। देखो मेरे दोस्तों, 43 तो कॉमन आ रहा है, ये तो चेक करना ही नहीं है। 32 देखेंगे, F का कोड 32, तो 3 ये आ रहा, 2 ये आ रहा, जहां इन पॉइंट के इंटरसेक्ट करेंगे तो E आना चाहिए, F आना चाहिए, F आ रहा है। 30 चेक करेंगे, 30, 3 जीरो पे क्या? आई,
तो ये आ रहा भैया आई, और 95 चेक करेंगे एन के लिए, तो 9 ये हो गया, 5 हो गया, तो एन ये आ रहा, एन ये आ रहा, तो 11 का हो जाएगा ए। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया भाई, 100 प्लस ऑलवेज एक्स्ट्रा थिंकिंग, जैसा नाम है ऐसा काम भी कर दिया, बहुत अच्छा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है नेशन स्टेट डिस्ट्रिक्ट, भैया जिले के अंदर जिला राज्य के अंदर आता है, और राज्य राष्ट्र के अंदर आता है, तहसील जिले के अंदर आती है, और जिला राज्य के अंदर आता है, और राज्य राष्ट्र के अंदर आता है, ब्लॉक तहसील, ठीक है ना। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं, तो कौन सा, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट, ये हो गया स्टेट, और ये हो गया राष्ट्र। तो भैया देख लो कौन सा ऑप्शन बी जाएगा रे, ऑप्शन बी बेनारिक का क्वेश्चन था। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है 6 के अपोजिट क्या होगा रे, 6 के विपरीत क्या होगा। तो भाई देखो, अगर एक डाइस की दो से ज्यादा स्थिति, दो से ज्यादा पोजीशन दी हो, वो एक ही डाइस की होती है, वो तीन डाइस नहीं होते हैं रे अलग, एक ही डाइस को तीन तरीके से दिखाया गया है यहां पे, ठीक है ना। तो देखो पहले कॉमन देख लो, टू कॉमन सरफेस लगाना है, तो क्या करेंगे, 6-3 नई बात बनेगी रे, 5-3 देखो, 5-3 कॉमन इसमें आ रहा है, 5-3 कॉमन इसमें आ रहा है। अब जो रिमेनिंग बचा, यहां 6 और यहां पे 4 बचा, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 6 के अपोजिट 4 और 4 के अपोजिट 6 हो जाएगा रे। तो पूछ क्या रहा है, 6 के अपोजिट 4, ऑप्शन बी जाएगा, ऑप्शन बी 13 का बी। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन, भाई वीडियो को शेयर करते रहो। अगला क्वेश्चन, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, इसका आंसर सभी को करना है, सभी से उम्मीद करता हूं कि सभी इसका करेक्ट आंसर भेजेंगे, एकदम करेक्ट। वो कह रहा है बिंदु ए से एक व्यक्ति पूरब की ओर 60 मीटर चलता है रे, ये पॉइंट ए हो गया भाई, ये पॉइंट ए हो गया, तो पूरब तो इधर है, ईस्ट तो इधर है, तो इधर चला, इधर चला कितना 60 मीटर, तो 60 मीटर ये हो गया, ठीक है ना। अब वो कह रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, तो 50 मीटर ये चलेगा, 50 मीटर ये चल गया, ठीक है ना, 50 मीटर ये चल गया। फिर कह रहा है अंत में वह बाएं मुड़ता है और 60 किलोमीटर जाता है, 50 मीटर नहीं है वो, मीटर ही है, चलो कोई बात नहीं है, तो ये 60 चला गया। और वो कह रहा है और बिंदु बी पर पहुंचता है, बिंदु बी हो गया ये। अब कह रहा है ए व बी के बीच की दूरी निकालना है। मैं बार बार क्वेश्चन में ये कहता हूं, आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन में ये नहीं देता है कि मिनिमम डिस्टेंस बताओ, आजकल वो बोलता है कि इन दोनों के बीच की दूरी। तो स्टूडेंट ध्यान रखें कि मिनिमम डिस्टेंस ही निकालनी, चाहे वो बोले या ना बोले, क्लियर है, बोले या ना बोले। तो यहां पर देखोगे आंसर कितना आ रहा है, 170 देखते हैं भाई कितना आ रहा है। तो देखो मैं यहां पे थोड़ा पेन चूज करूंगा, तो भाई इसे मिलाएंगे, ये मिलाएंगे, और मैंने ये मिला दिया और ये मिला दिया, ए बी, और इसका नाम रख दिया सी। अगर ये 50 है तो ये भी 50 है, ये 60 है तो ये भी 60 है, और ये टोटल यहां से यहां तक कितनी हो गई, 120 हो गई, 120 हो गई। पाइथागोरस लगा दो, जब पाइथागोरस लगाओगे यानी कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये लगा दोगे, तो भैया ए सी कितना है रे, 50, 50 का वर्ग कितना हो जाएगा 2500, प्लस बी सी का कितना है 120, 120, तो ये कितना हो जाएगा 144 के साथ में दो जीरो और आ जाएंगे, इसे ऐड करोगे तो ये कितना हो जाए, रूट के अंदर ए बी ले लो तो ए बी लोगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो अब ये रूट के अंदर कितना बन गया 169 00, 169 किसका होता है रे, 13 का, और एक जीरो और आ जाएगी, तो 130 मीटर या किलोमीटर आ जाएगा, 130 आएगा, ठीक है ना। 170 वाले भी थे, ऑलवेज थिंकिंग का गलत हो गया, नीसू का गलत हो गया, संजय वेरी गुड, पंकज यतेंद्र बहुत बहुत लड़कों का ठीक था। अगला क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ध्यान देना है क्वेश्चन पर, जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, वेरी गुड, 130। वो कह रहा है पी क्यू का बाह्य रे, पी क्या है, क्यू का बाह्य है भाई,
पी क्या है रे? क्यू का भाई है और आर एस की बहन है, तो आर एस की बहन इसे अलग लिख लो, आर जो है एस की बहन है, माइनस लगाऊंगा ठीक है ना, जब जब हम क्लास लेंगे तो मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस लगाऊंगा। पी का पुत्र एस का भाई है, जो पी का पुत्र हो गया ये पुत्र हो गया इसका, ये किसका भाई है? एस का भाई है और एस की बहन कौन है? आर है। बात समझ में आई? क्यू का आर से संबंध बताओ, क्यू क्या है आर का, क्यू क्या लगता है आर का? भैया मेरी बेटी का मेरा भाई क्या लगेगा रे? मेरी बेटी का मेरा भाई क्या लगेगा? चाचा लगेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। अगला दामोदर क्वेश्चन पे ध्यान दो, अगला क्वेश्चन ठीक है ना, अगला। बातें करने को तो पूरा बुढ़ापा पड़ा है, आराम से रिटायरमेंट के बाद आराम से बातें करेंगे, बैठ के हुक्का भर के बैठ जाओ गैलरी में, ठंडी ठंडी हवा आती रहे, चिलम ताजा हो, बैठ के पीते रहो, पूरी जिंदगी पड़ी है उसके लिए ठीक है। यहां पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे रे? तो भैया इनकी काउंटिंग कर लो, सेपरेट फिगर की काउंटिंग कर लो, सेपरेट फिगर में ट्रायंगल निकाल लो, त्रिभुज निकाल लो, तो 1 2 3 4 यहां चार, इसका चार का डबल करोगे तो 8 इसमें हो जाएंगे, 8 इसमें हो जाएंगे, 3 इसमें हो जाएंगे और 3 इसमें हो जाएंगे, तो कितने हो गए रे? 8 और 8 16 और 3 19 और 3 22 हो गए, तो 22 तो ये हो गए। अब देखो अंदर की आंखों से, देखो अंदर की आंखों से, जो अब जो अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है ना, जो अपनी दीवार को क्रॉस कर रहा है, देखो कौन कौन क्रॉस कर रहा है। देखो एक तो ये क्रॉस कर रहा है यहां से, ये रहा एक, ये हो गया तो एक नीचे को भी बनेगा, दो ये हो गया, क्लियर है? और देखो एक ये रहा, एक नीचे को ये बनेगा, दो ये हो गए, और देखो मन की आंखों से और नजर आएगा रे, और नजर आएगा, एक ये रहा भैया, ये रहा रे, ये रहा जहां मेरा पेन चल रहा, एक ये और एक ये हो गया, दो ये हो गए, तो देख लो 22 और दो 24 और दो 26 और दो 28 हो गए रे, 28 28 हो गए। कितना आंसर आ रहा है? 16 का बी 24 का है दे रहे हो रे, अरे 24 क्यों दे रहे हो? ठीक है ना, अगर जिस बच्चे को डाउट है तो मैंने पूरा ट्रायंगल पढ़ा, ये फिगर पढ़ाया मैंने, एक ये हो गया ना भाई, ये वाला देखो येलो कलर नजर आ रहा, ये रहा ये हो गया, क्लियर है? बहुत बढ़िया, 28 ही होगा सर, संजय यही होगा 28 ही। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब आता है हिंदी वाला सेगमेंट आता है रे मेरे दोस्तों, हिंदी वाला सेगमेंट आता है, वेरी गुड शैलेंद्र, किसी का गलत ना हो और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस किसी को नहीं, भाई मैं आज तक ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, चाहे मुझे चीजें कितनी भी आती हैं फिर भी मैं रिवाइज करता हूं, ऐसी आपको एक स्टूडेंट की क्वालिटी होती है ठीक है। पंचानन शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है? तो भैया ये जो पंचानन करा गया अय्या के स्थान पर प्रयुक्त करा गया है। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाले अयोगवा हैं, जो ना तो स्वर है और ना व्यंजन, इनकी ध्वनि कहां से निकलती है? नाक से निकलती है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अखरोट शब्द का तत्सम, अखरोट क्या है? तद्भव है, तो इसका तत्सम बताना है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? अछोट हो जाएगा, अछोट क्या हो जाएगा? अछोट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है चांदनी का, पक्षी का, मनमत का या करवाल का? तो चंद्रहास किसका है? चंद्रहास, चंद्रहास ऐसे होती है ना तलवार हल्की सी, चंद्रहास तलवार का, किसका क्या क्या पर्यायवाची हो जाएंगे रे इसके? तलवार हो गया, लिखा है मैंने 3 घंटे की क्लास भी ली है, तलवार, खड़ग, करवाल, असी, कृपाण, ठीक है ना, सरदार लोग छोटी सी जो रखते हैं उसे कृपाणी तो बोलते हैं, मनमथ, ठीक है ना, सॉरी मनमथ नहीं, मनमथ तो उसका होता है, सॉरी सॉरी मनमथ होता है बच्चे, ये होता है कामदेव का, कामदेव का पर्यायवाची है ये, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा रे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, इतना शेर है 150 भी नहीं पहुंच रहा है लाइव, क्या बात है ठीक है। आशय का पर्यायवाची,
आशय का पर्यायवाची बताना रे, तो आशय का पर्यायवाची देखेंगे तो क्या होता है रे इसका आशय का पर्यायवाची, अभिप्राय। क्या है? अभिप्राय होता है, ठीक है ना। तात्पर्य, तात्पर्य होता है, मतलब भी होता है, मतलब अर्थ भी होता है, बोल रहा हूं अगर लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, सारांश भी होता है, ठीक है ना। और आहार होता है बच्चे, ये होता है भोजन का, ये किसका होता है भोजन का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा रे, ऑप्शन सी है, वेरी गुड, ऑप्शन सी हो जाएगा, तात्पर्य हो जाएगा, ठीक है ना। अपरिहार्य किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है मेरे दोस्तों अनिवार्य का होता है, किसका? अनिवार्य का। अगला क्वेश्चन, पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द बताना है, क्या रहेगा? तो भैया पाश्चात्य का होता है पौरसत्व, एक तो ये होता है, दूसरा कभी कभी दे जाता है इसका पौर्वात्य, ये भी होता है इसका पौर्वात्य भी होता है, तो दोनों में से कोई सा भी आए टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन, वेरी गुड, अगला क्वेश्चन भाई 150 करके दिखा दो मेरे को, मैं मान जाऊंगा। अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द बताना है, अनुरक्त का, तो अनुरक्त का होता है दोस्तों विरक्त होता है, क्या होता है? विरक्त। विरक्ति किसका होता है? विरक्ति होता है रे अनुरक्ति का, किसका? अनुरक्ति और विरक्ति, ऑप्शन ए ऑप्शन बी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अनर्थ का होता है रे अर्थ, ठीक है ना, अनर्थ का क्या होता है? अर्थ। अगला क्वेश्चन चलेंगे, अर्क का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो अर्क का अनेकार्थक शब्द मेघ नहीं होता है, क्या? मेघ नहीं, बाकी इंद्र भी होता है, सूर्य भी होता है, विष्णु भी होता है, अर्क का, अर्क दिया जाता है ना, अर्क। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वो होता है अपरमेय, अप्रमेय। क्या? अप्रमेय। प्रमाणित क्या होता है? अप्रमाणित क्या होता है? अप्रमाणित होता है बच्चे जिसे प्रमाणों से सिद्ध ना किया गया हो, जिसे जिसे प्रमाणों किससे? प्रमाणों से सिद्ध ना किया गया हो, सिद्ध ना किया गया हो, ठीक है ना। अपरमित, अपरमित होता है बच्चे अपरमित या अपरिमेय या फिर अपरिमेय, अपरमित या अपरिमेय, जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन, वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। समरूपी शब्द युग्म अवलंब अविलंब का सही अर्थ बताना है। भैया शब्द के अर्थ लिखा है मैंने बहुत सारे, 200+ लिखा है, ठीक है। जो बच्चे रेगुलर सुबह को हिंदी क्लास लेते हैं वो एक नंबर नहीं छोड़ के आएंगे, मैं वादा करता हूं इस बात का, ठीक है ना। तो अवलंब का अर्थ क्या होता है? अवलंब का अर्थ होता है बच्चे सहारा, इसका अर्थ क्या होता है? सहारा होता है, ठीक है ना, बुके भी तो है एक तरह की। अविलंब का अर्थ क्या होता है? बिना विलंब के, क्या? बिना विलंब के, बिना विलंब के, तो देख लो कौन सा है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुछ तो अभी ऐसे है ना, वीडियो चल रही है, खोल के जहां की ओर निकल गए, कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है, लिख के ले लो, कुछ नहीं होना है। जो मेहनत, मेहनत ऐसी थोड़ी, मेहनत बेकार थोड़ी जाती है, इसीलिए तो कहते हैं जो मेहनत करता है सफलता उसी को मिलती है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है, भक्तों की सेना जा रही है, या भक्तों की मंडली जा रही थी, या भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, तो कौन सा शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है ना, कौन सा? तो बच्चे भक्तों की मंडली जा रही थी, सेना नहीं होता है, ठीक है ना, ना टुकड़ी होता है, टुकड़ी तो ये जो डिफेंस होता है उसके लिए यूज होता है, सेना और टुकड़ी, तो भक्तों की मंडली जा रही है, ठीक है ना, ऑप्शन बी, कॉन्ग्रीगेशन, भक्त मंडली, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताना है, ठीक है ना। पुल्लिंग, जो पुल्लिंग हो, चंद्रमा छिप गई क्या, चंद्रमा निकल आई क्या, ना चंद्रमा निकल आया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अवस्था कैसी हो गई है तैयारी करते करते, थकान सी लग गई यार तैयारी करते करते, अब तो भूख सी भी लग रही है, ठीक है ना, भूख लग गई पढ़ते पढ़ते, तो ये क्या है, ये है स्त्रीलिंग तीनों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग नहीं होता, एक वचन में प्रयोग नहीं होता, कौन सा शब्द हमेशा? तो वो होता है बच्चे गुड़िया, तो इसका क्या हो जाता है, गुड़िया,
ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? अधिकरण कारक का, तो अधिकरण कारक का किस में? अधिकरण कारक क्या होता है, इसकी विभक्ति क्या होती है बच्चे? मैं या पर होती है, ठीक है ना? मैं या पर, मेज के ऊपर किताब, ठीक है ना? किताब अलमारी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। विभक्ति क्या आ रही है? मैं आ रही है। तो अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? मैं या पर होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? तुम जाना मोहन द्वारा। भाई आज 150+ नहीं पहुंचा है, मजा नहीं आया। आज बिल्कुल मजा नहीं आया। तो यहां सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जैसे तुम हो गया, ठीक है ना? तुम हो गया, हम हो गया, मैं हो गया, आप हो गया, वह हो गया, यह हो गया, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? 30 का ए हो जाएगा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? देखो, एक होता है क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा, संख्यावाचक, अरे संख्यावाचक पूछ रहा है ना, तो संख्यावाचक कौन सा है जो संख्या को डिनोट करे? सात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा शब्द में विशेषण है, तो बच्चे पहला, दूसरा, तीसरा, ये होता है क्रमवाचक विशेषण। क्या होता है ये? क्रमवाचक विशेषण हो जाए, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ठीक है ना? आवर्ती वाचक क्या होता है? आवर्ती वाचक होता है बच्चे, वो कौन से होते हैं? दूना हो गया, तिगुना हो गया, चौगुना हो गया, तिगुना हो गया, ऐसे वाले होते हैं आवर्ती वाचक, ठीक है? गणनावाचक कौन से होते हैं? गणनावाचक एक, दो, तीन, तीन, चार, ऐसे ये गणनावाचक होते हैं। पूर्णांक बोधक विशेषण कौन से होते हैं? एक, 200, 1000, ये पूर्णांक बोधक होते हैं, तो ज्यादा अंतर नहीं होता इनमें। अगला क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिया विशेषण के भेद मुख्यतः कितने आधारों पर किया जा सकता है? क्रिया विशेषण का भेद कितने आधारों पर किया जा सकता है? एक तो ये समझ लो, क्रिया विशेषण होता क्या है? ये होता है अविकारी शब्द। क्या होता है भाई? अविकारी शब्द होता है, ठीक है ना? तो ये होता है तीन तरीके से, कितना? तीन तरीके से होता है, कितना भाई? तीन तरीके से। एक तो अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। दूसरा कौन सा? प्रयोग की दृष्टि से। तीसरा कौन सा? रूप की दृष्टि से, ठीक है ना? तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरे चार टिक कर रहे हो क्या? चार इसलिए टिक कर रहे होगे ना, विकारी शब्द होते हैं चार प्रकार के, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। नहीं, वो तो क्रिया विशेषण का पूछ रहा है ना आपसे, एडवर्ब का पूछ रहा है रे। अगला क्वेश्चन, दुशासन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दु प्लस के शासन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि, जिसमें हलंत लगता है, जिसमें विसर्ग लगता है। अगला क्वेश्चन, क्या नाम है? प्रोतम निषाद। मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन क्या था। निम्न से द्विगु समास कौन सा है? द्विगु समास होता है संख्यावाचक, जिसमें पहला, प्रथम, प्रथम पद यानी कि उत्तर पद संख्यावाचक हो, तो वो क्या होगा? द्विगु समास होगा। वीडियो पॉज होगी क्या? मुझे भी लग रहा है। तो नवरत्न, नवरत्न क्या भाई? नवरत्न, नौ रसों का, नौ रत्नों का क्या हो जाएगा ये? नौ रत्नों का समाहार संख्यावाचक होता है, समहार। एक सेकेंड, समहार, ठीक है ना? तो ऑप्शन ए। वीडियो पॉज हो गई है, इसे मैं चालू कर देता हूं। अगला क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है भाई इंग्लिश का सेगमेंट, ठीक है ना? इंग्लिश के सेगमेंट में आपको काम क्या करना है?
एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मैंने पूरा पढ़ा है, एक बाहर नहीं जाएगा। जितना बुक है वाला सारा प्रीवियस ईयर का लगवा रहा हूं, एक एक रट लेना अगर स्कोर करना है तो आपको। चलो वीडियो रुक गया था, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था। हो गया अब चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये है भैया वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पहले का बनाना है, इसमें से ढूंढना है करेक्ट कौन सा है। यहां मैंने दो रख दिए, ठीक है ना, दूसरा ये रहा। तो पहले हम ढूंढना है करेक्ट कौन सा है आपका। तो क्या हो जाएगा, आई एम ऑफन प्रेज्ड बाई हर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरे में हु स्टोल योर पेन, तो क्या हो जाएगा बच्चे, बाई हुम वॉज योर पेन, बाई हुम वॉज योर पेन स्टोलन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मैंने कराया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रह गया है। किसी दिन 3-4 घंटे की क्लास रख लेंगे, उसे खत्म कर लेंगे अगर आप लोगों की डिमांड हो, अदरवाइज आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं है, नहीं रखेंगे। ये आता है बच्चे वन वर्ड, क्या आता है, वन वर्ड आता है, वन वर्ड आता है, वन वर्ड देखेंगे, वन वर्ड आता है। तो देखो, ए पर्सन हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, तो क्या हो जाता है, आउट लॉ हो जाता है, आउट लॉ, नियम से बाहर, ठीक है ना। फाल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो फाल्सिफिकेशन होता है मतलब यार वो जालसाजी नहीं करते डॉक्यूमेंट्स में, फर्जी डॉक्यूमेंट जो बनाते हैं, ठीक है ना, उसे बोलते हैं फॉर्जरी, जालसाज करना, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, फॉर्जरी, ठीक है ना, ठीक है ना, फॉर्जरी। अगर आप लोगों की डिमांड होगी, आप लोग अगर 200 प्लस रहोगे उस क्लास में, तब लूंगा भाई, मेरी भी अब शर्तें हो जाएंगी। अगर आपकी कंडीशन है तो मेरी भी है, आप ही के लिए मेहनत करते हैं हम और आप लोग लाइव नहीं रहते हो, ठीक है ना। जो बच्चे डॉक्यूमेंट नकली डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, उसे जालसाजी बोलते हैं, फॉर्जरी बोल देते हैं। टू मेक अटोनमेंट फॉर वंस सिंस, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपिएट हो जाएगा, एक्सपिएट, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है ना बच्चे। ये आते हैं आपके रे, क्या आते हैं, ईडियम फ्रेजेज आते हैं, टू गिव वन सेल्फ एयर्स, तो बच्चे टू गिव वन सेल्फ एयर्स, तो ये क्या होता है, अपने आप को अच्छा या बेहतर दिखाने की कोशिश करना। टू गिव वन सेल्फ एयर्स का हिंदी में मीनिंग लिख लेना, अपने आप को अच्छा या बेहतर दिखाने की कोशिश करना। तो यहां से जब हिंदी थोड़ी सी आपको मिल जाएगी तो बच्चे आसानी से ऑप्शन उठा ले जाओगे। तो बिहेविंग एरोगेंटली, ठीक है ना, व्यवहार ऐसा करना अपने एरोगेंटली करता है, ठीक है ना। आपने देखा है ना, जैसे आप देखते हो न्यूज आती है आजकल, ऐसी ऐसी न्यूज आती है, अरे ये इंस्पेक्टर बना घूम रहा है वर्दी पहन के, बट है कुछ नहीं वो, ठीक है ना। तो वो ऐसे बिहेव करते हैं क्योंकि उनके अंदर ये नेचुरली होता है, वो उस ऐसे बिहेव करते हैं, बात भी ऐसी करते हैं, ठीक है ना। अगला दो दिए मैंने इसमें, एट ए स्टोंस थ्रो, एट ए स्टोंस थ्रो, बहुत नजदीकी, क्या बच्चे, बहुत नजदीकी, ठीक है ना, बहुत नजदीकी, क्या हिंदी होता है इसका, बहुत नजदीकी। अगर हिंदी पता है तो ऑप्शन पकड़ ले जाओगे इसके, ठीक है ना, ऑप्शन पकड़ ले जाओगे नजदीकी। तो देख लो, बहुत नजदीकी, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, वेरी गुड 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 गुड। अगला क्वेश्चन ये आता है मेरे दोस्तों, नरेशन आता है, नरेशन आता है रे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। मैं आपसे बात कर रहा हूं डायरेक्ट कर रहा हूं, और किसी के जरिए कर रहा हूं, कोई तीसरा पर्सन आपको मेरी बात बताए तो इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है ना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। तो इसमें भी दो हैं आपके, ये अगर ये टेस्ट पेपर लगाते रहे ना, अपने मन से लगाया तो सारा पेपर सॉल्व कर लोगे। द टीचर सेड व्हाट इज द मैटर, तो इसका इनडायरेक्ट बताना है, ठीक है ना, इसका इनडायरेक्ट बताना है। तो क्या हो जाएगा बच्चे, द टीचर आस्क्ड व्हाट द मैटर वॉज, तो क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड व्हाट द मैटर वॉज, ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला देखना है, ही सेड टू हिम डू नॉट गो देयर, तो ये क्या हो जाएगा, ही टोल्ड हिम नॉट टू गो देयर, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिल इन द ब्लैंक से, लाइट इज फास्टर देन साउंड, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। लाइट किससे फास्टर होती है, साउंड से। द मैन एम्प्लॉयड
फॉर द पर्पज नेवर डिड वॉट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, एम्प्लॉयड आ जाएगा। और क्या है तीसरा वाले में है, देयर वॉज ए सीरियस अल्टरकेशन। अल्टरकेशन क्या होता है, कहा सुनी झगड़ा बोल दे सकते हैं, नॉर्मल सा झगड़ा जो होता है कहा सुनी हो जाती है, जो मोहवाद हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अल्टरकेशन बोल देते हैं उसे। हर किसी में हो जाता है, भाई भाई में, भाई बहन में हो जाता है, वो वाली जो भाई बहन भाई भाई के अंदर हो जाता है अल्टरकेशन, कहा सुनी बिटवीन द टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में हो गया, दैट इज कॉल्ड अल्टरकेशन बोला जाता है उसे, अल्टरकेशन। हां भाई क्या नाम है ग्रीस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं किसी की तरह लंबी लंबी नहीं फेंक रहा, आप एक भी क्वेश्चन उठा के देखना सारा एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अल्टरेशन क्या होता है, ऑप्शन बी का मतलब क्या होता है, अल्टरेशन ये होता है बच्चे चेंजेबल, परिवर्तनशील, ये इसका मतलब क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। एलिटरेशन क्या होता है, क्लास में कराया था, जब मैं क्लास लेता था इंग्लिश की, ये सारी चीज कराई है, एक भी बाहर नहीं है जिस बच्चे ने लिए। एब्रेशन क्या होता है, ये होता है बच्चे पथ से भटकाव, ये किससे, पथ से भटकाव, भटक जाना, हर चीज कराई है मैंने क्लास में, एक भी नहीं छोड़ा। अगला क्वेश्चन, अब ये जीएस का कुछ क्वेश्चन आता है, फटाफट लगा दो। तो यदि किसी कण का रैखिक वेग दो गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है, सारे टेक्निकल स्टूडेंट हो तो कितनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किलोवाट आवर एक यूनिट है किसका, ठीक है भाई, तो ये सारे टेक्निकल क्वेश्चन है, आप लगा सकते हो। निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक या विंध्य, या विंध्य, तो पश्चिमी घाट को, वेस्टर्न घाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है बच्चे, प्रवाल रचना, प्रवाल रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है रे, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, गुरुत्वीय बल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाट घंटा इकाई है, ठीक है, तो ये आपका आप ही का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन पार्थिव ग्रह कठोर सतह वाला नहीं है, कठोर सतह वाला नहीं है, तो वो नहीं है बच्चे बृहस्पति। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होते हैं, तो वो होते हैं बच्चे अंतःस्रावी तंत्र द्वारा। अगला क्वेश्चन, बिहार में सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है, बिहार में सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो बच्चे रासायनिक उर्वरक के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, क्लियर है। तो बच्चे ये हो गया आपके 50 क्वेश्चन, आपने 50 प्लस तो पहुंचाया नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, जिसमें आप खुश हो उसी में मैं भी खुश हूं। सर मैंने डाउनलोड कर रखी है, हाँ दोनों डाउनलोड कर रखी है, तो आप खोल लो, ठीक है। तो भाई 150 प्लस तो आपने पहुंचाया नहीं है, चलो कोई बात नहीं, जिसमें आप खुश उसी में हम खुश। तो सेशन कैसा लगा आपको, ठीक है ना, और भाई वीडियो को शेयर कर दो, इसके बाद आपकी कंप्यूटर की क्लास, और कंप्यूटर पास ना हुआ तो पेपर बेकार है, कंप्यूटर की क्लास लेना कंपलसरी है, ठीक है ना, इतना शेयर कर दो सर की क्लास में, कंप्यूटर में तो 200 प्लस पहुंचा दो, ठीक है। तो भाई सेशन कैसा लगा, अपना अपना फीडबैक दिया करो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है ना, और भी पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है, डिमोलाइज नहीं होना है, काम करते रहना है, लगे रहना है, रिदम में चलते रहना है, ठीक है ना, रिदम में चलते रहना है। 47 आराम से, वेरी गुड प्रेम, मेहनत ही करनी चाहिए भाई, रंजीत यादव, ठीक है। तो अपना अपना फीडबैक दिया करो भाई, ठीक है भाई, वीडियो को शेयर करना है, और ये कंप्यूटर का सेशन है भाई। उमेश सर, बच्चे रमन सर ले लेंगे, एक दो दिन में क्लास ले लेंगे, ठीक है ना, तो स्टूडेंट आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हो, यहाँ मैं कमेंट्स देख पा रहा हूँ कि सर आ जाएंगे, बच्चे अभी सर आउट ऑफ सिटी है, जल्दी से आप लोगों की सर क्लास ले लेंगे, ठीक है सर, जैसे आएंगे चलेगा।
तो देखिएगा आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है, और मैंने आपको कहा था कि हम लोग सारी चीज़ें कंटिन्यू तभी कर पाएंगे जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिन पर दिन आप लोग कम हो रहे हो, फिर कहते हो कि सर आप क्लास कंटिन्यू नहीं कर रहे हो। तो शेयर करिएगा, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को भी शेयर करना है। चलिएगा आज के लिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने दिख रहा है। पहला क्वेश्चन, रमन सर की क्लास हो जाएगी बच्चे? सर आजकल अभी यहाँ पर देहरादून के अंदर नहीं है, जैसे आ जाएंगे सर की क्लास हो जाएगी। चलिए अभी अभी ध्यान दीजिएगा, बाद में बात करेंगे हम लोग इस संबंध में, ठीक है? पहले चलेगा, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बच्चे एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज ऑफ द फॉर्मेटिंग टूल बार? आप लोगों को बाय डिफॉल्ट जो साइज मिलता है वो कौन सा मिलता है? चलिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? 8 और 72, यानी कि क्या दिया जाता है फॉर्मेटिंग टूल बार में? सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो फॉन्ट साइज होगी आपका वो कौन सा होगा? 8 और 72 बाय डिफॉल्ट। वैसे आप लोग चेंज कर सकते हो, 96 करो, लेकिन बाय डिफॉल्ट 8 और 72। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, विंडो एप्लीकेशन में OLE का पूर्ण नाम क्या होता है, या पूर्ण यहाँ पर क्या दिया गया? विंडो एप्लीकेशन के संबंध में OLE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ सही आंसर क्या बनेगा हमारा? इसका सही आंसर आएगा आपका क्या? ऑब्जेक्ट लिंक एंड बच्चे आपका, ठीक ना, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड बच्चे आपका अमेंडिंग आपका, ठीक है, यानी कि अमेंडिंग ए इसका राइट आंसर आएगा। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड बच्चे आपका अमेंडिंग बिल्कुल सही आंसर आएगा ए। ये क्वेश्चन आपका पिछली बार पूछा गया था, समझ रहे हो, यूपी पिशल TG2 के अंदर पूछा गया था। चलेगा एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो भी ग्रुप आप लोगों को बनाए गए उन सभी ग्रुपों में एक बार शेयर कीजिएगा। चलेगा आगे बढ़ेंगे हम लोग बच्चे आपका, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया गया कि निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन का मान क्या होगा? आपके पास दिया गया मैक्सिमम, उसके बाद इक्वल टू मैक्स MEX, इक्वल टू MEX दिया गया, उसके बाद आपको दिया गया एक, समझ लो, आपके बाद 8 दिया गया, ग्रेटर देन 12 और 10, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। यहां पर पूछा गया कि वैल्यू मैक्सिमम नंबर दिया गया, पूछा गया आपका कि इसका वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू मैक्स, यहां पर सही आंसर क्या होना चाहिए? बताया मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या आएगा, यानी कि आपका क्या दिया गया, 8 ग्रेटर देन है, 8 से तो बड़ा है लेकिन 12 से क्या है आपका, छोटा है, तो इसका वैल्यू क्या निकलेगी आपकी, 8 इसकी वैल्यू निकलेगी। और MS Excel के अंदर, चाहे आपका लिब्रा ऑफिस कैल के अंदर, दोनों जगह आपका जो भी फॉर्मूला काम करेगा वो बोर्ड मास पर ही करेगा, समझ रहे हो, बोर्ड मास से ही काम करेगा। चलेगा नेक्स्ट बढ़ेंगे, किसी नेटवर्क सिस्टम से जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द पर्सनल कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क सिस्टम इज द कॉल्ड? इन्हें क्या कहा जाएगा? इन्हें कहा जाता है आपका वर्क स्टेशन। बहुत कम स्टूडेंट लाइव आ रहे हो आप लोग, मैंने कहा था लास्ट टाइम पे 200 के आसपास। अच्छा, आप लोग जो वर्तमान समय पे कैंपेन चल रहा है, इस वजह से आप लोग अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करिएगा। मैं हमेशा से कहता हूँ बी मोटिवेटेड, आप लोग हमेशा से मोटिवेट रहेगा, ऊर्जावान रहेगा आप लोग क्लास में आप लोग, क्योंकि देखिएगा अगर इन सभी मोमेंट के बाद आपको 10 दिन के बाद एग्जाम डेट मिल जाती है तो हम उसके लिए कितना तैयार है। एक स्टूडेंट का धर्म भी यही होगा, उसका धर्म और उसका सभी चीज क्या है, पढ़ाई से अलावा और कुछ चीज, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता है, तो तैयारी करिएगा, समझो। और यहाँ पर क्या दिया गया, कंप्यूटर प्रिंटर किस पोर्ट से जुड़ा होता है? तो कंप्यूटर प्रिंटर आपका पैरेलल पोर्ट से भी जुड़ा होता है, और किससे जुड़ा होता है आपका, USB पोर्ट से। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका, डी, बोथ ए एंड बी, दोनों USB होगा आपका और पैरेलल पोर्ट भी होगा। चलेंगे नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या आएगा, टेलीकॉम सिस्टम का एग्जाम्पल है, यहां पर क्या दिया गया, टेलीकॉम सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा होगा? चलेगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका, तो वैन, यहाँ पर क्या आएगा, टेली, जो वाइल्ड एरिया बच्चा आपका नेटवर्क, यानी कि टेलीकॉम सिस्टम, ठीक। नेक्स्ट बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया आपका, निम्न में से कौन सा प्रिंटर जो कार्टेज का उपयोग, यानी कि स्याही के लिए किया जाता है, कार्टेज का उपयोग स्याही के लिए किया जाता है, तो किसमें किया जाता है आपका, ये किया जाता है आपका इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट बच्चा आपका जो प्रिंटर होगा उसमें किया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, फॉर्मूला निम्न में से किसका महत्वपूर्ण फीचर है? आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंड द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ फॉर्मूला, तो फॉर्मूला किसका इंपॉर्टेंट फीचर है, तो ये आएगा हमारा किसका, कैल्क का,
सही आंसर क्या है आपका? कैल का। आप लोग वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते हो? लाइक भी करते रहिएगा, जितने लोग भी लाइव हो यहाँ पे सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चलेगा नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल नहीं है? बहुत बढ़िया, कौन सा प्रिंटर लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर आएगा आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगर लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल नहीं है तो किसका एग्जाम्पल होगा ये आपसे पूछा जाए तो आपको प्रिंटर पूरा का पूरा पड़ा रखा है वहां पर देखेगा आप लोग। चलेगा नेक्स्ट बढ़ेंगे GRAB, यहां पर गर्व करके एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था आपका अक्टूबर किस वर्ष? 2018 में, 2016 में, 2017 में या 2015 में? कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था आपका कब? 2015 में लॉन्च किया गया था। कौन सा? GRAV यानी कि गर्व करके मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2015 में। चलेगा नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। हमारे डेस्कटॉप पर जो छोटी छोटी आकृतियां दिखती है इन्हें क्या कहा जाता है? व्हाट आर द बच्चा स्मॉल जो शेप आपका जो देखी जाती है डेस्कटॉप पर जो ग्राफिक इमेज होती है ये क्या होती है हमारी? ये ग्राफिक इमेज जो होती है तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है आपका क्या? आइकन कहा जाता है। हमारे डेस्कटॉप पर दिखने वाले जो ग्राफिक इमेज होती है उन्हें आइकन कहा जाता है। बहुत बढ़िया, सभी लोग शेयर भी करते रहिएगा। आगे दिया गया आपका निम्न में से किस प्रिंटर में किसी भी प्रकार का इंक का प्रयोग नहीं होता है? क्योंकि जो पेपर होगा आपका वो क्या होगा? वो केमिकल युक्त पेपर होगा। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था आप रोडवेज की बसों में आप सफर करते हो, आज के समय पर आपने देखा होगा घरों की जो बिजली बिल है वो तुरंत आपको दी जाती है, तो इसमें क्या होगा? केमिकल पेपर का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा होगा आपका? थर्मल प्रिंटर। जो थर्मल प्रिंटर होता है उसमें इंक का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। विंडोज का अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से बेहतर वजह मानी जाती है, क्या कहा जाता है आपका? तो किस कारण आपका? ग्राफिक यूजर इंटरफेस के कारण। विंडोज को ग्राफिक यूजर इंटरफेस यानी कि ये क्या होता है? यूजर फ्रेंडली होता है, समझ रहे हो आप लोग? तो विंडोज को अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से बेहतर इसी कारण माना जाता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उबंटू में निम्नलिखित में से कौन सा डैश कहलाता है? उबंटू में निम्न में से कौन सा बच्चा आपका डैश के नाम से भी जानते हैं आप लोग? किसे? सर्च योर कंप्यूटर। समझ रहे हो यहां पर क्या आएगा आपका? सर्च योर कंप्यूटर। चलेगा नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा टोपोलॉजी बच्चा आपका उच्चतम विश्वसनीयता? ठीक है, इसमें आपके क्या बच्चा आपका रिलायबिलिटी की बात की गई, हाईएस्ट रिलायबिलिटी, तो कौन सी होगी आपकी? मेस टोपोलॉजी। और ये शायद आपका पहले TG2 में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आपके TG2 में पूछा जा चुका है। अगला दिया गया आपका रैम। रैम बच्चा कैसी मेमोरी है? तो मैंने आपको बताया था रैम कैसी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल का मतलब अस्थाई मेमोरी होती है। रैम अपने आप में क्या है? अस्थाई। ब्लू रे क्या होता है? व्हाट इज द ब्लू रेज? यहां पर दिया गया व्हाट इज द ब्लू रेज। सभी लोग वीडियो को शेयर भी करिएगा, सभी लोग वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्टिकल डिस्क होता है। ये क्या होता है आपका? ऑप्टिकल डिस्क। किसी स्लाइड में टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे? यदि आप लोग किसी स्लाइड पर काम कर रहे हो तो वहां पर अगर आपको टेक्स्ट को डिलीट करना है तो किसका प्रयोग करेंगे? तो हम लोग प्रयोग करेंगे आपका किसका? डिलीट का ही प्रयोग करेंगे। किसी बच्चे आपको टेक्स्ट का या बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे या क्या आएगा आपका? बैक स्पेस का, ठीक है ना, या बैक स्पेस का प्रयोग करना होगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो आपने बताया सर एक बाइट में कितने? 8 बिट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। डेटा होता है जो अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किया गया होता है। डेटा होता है जो अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किया जाता है या होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है आपका? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में हमें जो सूचना मिलती है, जो हमें आउटपुट मिलता है वो कैसा होता है? व्यवस्थित रूप से। मैंने कहा कि हमने
25 का स्क्वायर की बात करी तो हमें फाइनली जो आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, एक व्यवस्थित रूप से मैंने 2+6+ आपका डिवाइडेड बाई 92 कर दिया, उसमें सारा का सारा कैलकुलेट बोर्ड मास लगा के तो हमें जो इंफॉर्मेशन के तौर पर जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है आपका, व्यवस्थित रूप से होता है और अर्थपूर्ण होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, यहां पर क्या दिया गया, यहाँ पर पूछा गया बटन और मेन्यू होते हैं जो आमतौर पर प्रयुक्त जो कमांड को जल्दी से एक्सेस करवा देते हैं वो कौन से होते हैं आपके, तो आएगा टूल बार, टूल बार बटन, और बच्चा जो टूल बार में जो आपके बटन होते हैं ठीक है, टूल बार के अंदर जो हमारे ऑप्शन दिए जाते हैं वो मेन्यू होते हैं और जो आमतौर पर प्रयुक्त कमांडों से जल्दी एक्सेस कर लेते हैं। सबसे ऊपर आपका मेन्यू बार हो गया, उसके जस्ट नीचे आपको टूल बार दिख जाता है ठीक है, टूल बार में आपको डायरेक्टली क्या मिल जाता है, जैसे फॉन्ट मिल गया, आपको कलर मिल गया, आप लोगों ने देखा होगा ना अगर आप टेक्स्ट पे काम कर रहे हो तो अगर आप लोग टूल बार को ओपन रखते हो तो उसके आप लोग शॉर्टकट क्या कर सकते हो, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो, आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो, अलाइन को आप लोग टॉप में कर सकते हो, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती है। कीबोर्ड पे पाए जाने वाले अक्षरों और अंकों के प्रतीकों को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है आपका, कुंजियां, समझ, उसे अगर यहाँ पे इंग्लिश में ना आता तो उसे हिंदी में अगर पूछेगा आपसे तो कुंजियां कहा जाता है। कहा गया आपका अगला क्वेश्चन, प्रिंट करने के लिए कौन से मेन्यू को सिलेक्ट करना होगा, प्रिंट करने के लिए मुझे कौन सा मेन्यू सिलेक्ट करना होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोगों को आगे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चा जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के अकॉर्डिंग बच्चे ये सारे क्वेश्चन डिजाइन किए जा रहे हैं, तो आप लोगों को साथ बच्चा बहुत फायदा होगा, मैंने आपको कहा ना बहुत ही ज्यादा फायदा होगा आपको, क्लास में बने रहना आपको और रेगुलर प्रैक्टिस लगाना है, और कोई प्रैक्टिस का आपको अलग सा कुछ थोड़ी ना देना है, समझ लो क्वेश्चन मिल रहा है जहां से जो मिल रहा है लपेटते रहो, क्लास में बने रहो ठीक है ना। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर, प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक बच्चा आपका इंस्ट्रक्शन के सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, ऐसा पूछा गया आपसे तो क्या कहा जाता है इसे, सॉफ्टवेयर, उसे क्या कहा जाता है आपका, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। चलेगा नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25, कमांड होती है जिससे जिन्हें सिलेक्ट किया जाता है तो कौन सा आपका, तो हम लोग आइकन को क्या करेंगे, आइकन बच्चा आपका जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है। अच्छा यहां पे कुछ मैसेज किया बच्चा आपने, चलेगा नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। रजत जी कहते हैं कि सर कंप्यूटर पेड का पेड कोर्स का क्या है, देखो पेड कोर्स के संबंध में तो मैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ, आप क्या करिएगा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और कंप्यूटर के वहाँ पर अलग अलग कोर्सेज है तो आपको देखिएगा आपके लिए जो सही लगता है उसे आप लोग देख सकते हो, क्योंकि कोर्सेज आज आपका सभी में छूट चल रही थी तो आपने देखा होगा। चलेगा नेक्स्ट पढ़ेंगे, माइक्रो, यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों को तीन बुनियादी वर्ग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके, तो सिस्टम यूनिट हो गया आपका, इनपुट यूनिट और आउटपुट हो गया, और मेमोरी हो गया। आपने देखा होगा माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के तीन बुनियादी वर्ग होते हैं, सिस्टम यूनिट हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया और मेमोरी हो गया। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन ये दे गया आपका, टास्क मैनेजर को खोलने के लिए आपके पास शॉर्टकट की होगी, यदि आप लोग डेस्कटॉप में हो और डेस्कटॉप में जाते ही आप इस की को प्रेस करोगे तो आपको टास्क मैनेजर ओपन होगा, वो कौन सा की होगा आपका, चलेगा देखेंगे तो वो राइट आंसर आएगा आपका Ctrl+Shift+ESC का प्रयोग करोगे तो टास्क मैनेजर आपका ओपन होगा। अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि बहुत कम स्टूडेंट लाइव होते हैं, जो बच्चे इसको ऑफलाइन देख रहे हैं तो मैं उन बच्चों को मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि जो बच्चे लाइव है उन्हीं को देगा, जो पढ़ने के लिए डेडिकेटेड है उन्हीं को बच्चा थोड़ा दिक्कत आती है ठीक है। तो जो ऑफलाइन देखते हैं मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग ऑनलाइन कम रहोगे तो ये क्लास ऑफलाइन के लिए आगे से अवेलेबल नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइव रहेगी, लाइव प्रैक्टिस आपका 2 घंटे का है तो 2 घंटे आपको लाइव रह के ही प्रैक्टिस करना होगा। अगर हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको लाइव आना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, समझ लो, तो मंडे से आपका ये लागू हो जाएगा, अभी आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है। चलेगा नेक्स्ट बनेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की होती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉडिफायर की यानी कि संशोधक की कहा जाता है।
नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम सटीक स्थान रिकॉर्ड करता है, तो क्या रिकॉर्ड करता है? तो ये रिकॉर्ड करता है आपका क्या, फाइल एलोकेशन टेबल की बात की जाए, ठीक है ना, फाइल एलोकेशन बचा आपका टेबल। नेक्स्ट बढ़ेंगे, लाइनेक्स एक आधारित बचा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 31, ब्राउजर में किसी टैब को, ब्राउजर में किसी टैब को बंद करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? चले देखते हैं इसका आंसर कौन दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 का, क्वेश्चन नंबर 31 लिख के देंगे आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होगा? यदि आप लोग ब्राउजर पर काम कर रहे हो, आपको टैब को क्लोज करना है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर किसका आता सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आया यहाँ पे बी, क्वेश्चन नंबर कमलेश कुमार, विकास भाई घर के बच्चे हैं, उन्होंने भेजा है यहाँ पर, और कृष्णा कुमार, देवेंद्र कुमार, सभी बच्चे सभी का बहुत बढ़िया, सबके राइट आंसर आ रहे हैं, कंट्रोल प्लस बी। यदि मैं किसी ब्राउजर पर काम कर रहा हूं तो कंट्रोल प्लस बी करूंगा, टैब हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज, सब बंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, प्रिंट करने की जो तकनीक कौन कौन सी होती है, तो प्रिंट करने की जो तकनीक होती है आपका हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि प्रिंटर की जो तकनीक कौन कौन सी होती है, तो इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड जो लाइन पैटर्नों को कहा जाता है, अधिकांश जो प्रोडक्ट होते हैं उन पर जो प्रिंटेड लाइन पैटर्नों को कहा जाता है, इस तरह से होते हैं ना, आपने देखा होगा, जिसे हम लोग क्या करते हैं, स्कैन करने के बाद उसमें जो डेटा रहता है वो क्या आ जाता है, हमारे सिस्टम पे आ जाता है, तो स्कैन से क्या कहेंगे, बार कोड कहा जाता है। बार कोड बच्चा आपका, मैंने आपको बताया था ना, बार कोड अधिकांश प्रोडक्ट पर जो प्रिंटर आपका, तो याद रखे बार कोड। अगर आपसे पूछा जाता है कि बार कोड की संख्या कितनी होती है, तो आपने बताया सर 12 होती है, यानी कि यूनिवर्सल जो प्रोडक्ट कोड होता है उसकी संख्या 12 होगी। और मैंने आपको बताया था ना, यूरोपियन आर्टिकल नंबर, समझ लो ये कितना होता है, 13 डिजिट का होता है। तो दो चीज ध्यान दीजिएगा, जो भी जैसे आपने कुरकुरा लेते हो, आप लोग कहीं भी मॉल में जाते हो, या आज के समय पर ग्रोसरी का कोई भी सामान लेते हो, प्रोडक्ट लेते हो, तो उस पर बार कोड होता है। तो बार कोड का मतलब आपसे पूछा जाएगा यूपीसी कोड या यूपीसी नंबर कितने संख्याओं का, कितने डिजिट का होता है, तो 12 डिजिट का होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, रैम को बच्चा कंप्यूटर प्रोसेसर में है कहा, क्या कहा जाता है आपका, तो इसे कहा जाता है आपका क्या, वेटिंग रूम कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, पावर पॉइंट में हेडर और फुटर बटन समूह सम्मिलित टैब में पाया जाता है, तो कहां पर पाया जाता है आपका, पावर पॉइंट बच्चा सम्मिलित टैब में पाया जाता है। अच्छा ऐसा पूछा गया, तो टेक्स्ट ग्रुप में, कहां पर पाया जाता है बच्चा आपका, ये टेक्स्ट ग्रुप में पाया जाता है आपका। चलेगा नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, एडबिक की बात की गई, एडबिक कोड कैरेक्टर में कितने अलग प्रतिनिधित्व समर्थन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कोई स्ट्रक्चर, देखिए मैं कितने तरीके से लिख सकता हूं, ए लिख रहा हूं, 1 लिख रहा हूं, 2 लिख रहा हूं, मैं आपका जो सिंबल्स होते हैं उसके अगर लिख रहा हूं, मैं यहां पर क्या लगा रहा हूं आपका, बुलेट लगा रहा हूं, तो एक कैरेक्टर को हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं, 256 तरीके से, समझ रहे हो। यदि हमारा जो ग्राफिक इमेज हमें दिख रही है, जो हमें दिख रहा है, तो यहां पर क्या पूछा गया, जो एडबिक कोड कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को 256 तरीके से दिखा सकता है। चलेगा नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, राइट आंसर क्या आएगा आपका, एमएस वर्ड एप्लीकेशन को निम्न में से किससे बंद नहीं कर सकते, तो बंद नहीं कर सकते आप किससे, देखो फाइल मेन्यू में जाके एग्जिट सब मेन्यू में, इससे आपका कर सकते हैं, Alt प्लस F4 का प्रयोग करके बिल्कुल कर सकते हैं, टाइटल बार में बच्चा आपका जो क्लोज बटन दिया गया उससे कर सकते हैं आप लोग, तो फाइल मेन्यू में क्लोज जो आपका सब मेन्यू दिया गया इसका उपयोग करके नहीं कर सकते, समझ लो। चलेगा नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से क्या फॉन्ट स्टाइल नहीं है, तो फॉन्ट स्टाइल कौन सी नहीं आपकी, सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर या X2 होता है, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन हो गया आपका, और रेगुलर हो गया, ये फॉन्ट स्टाइल में आता है हमारा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, हेडर और फुटर किस मेन्यू में इंसर्ट कर सकते हैं, तो हेडर एंड फुटर कहां पर होगा आपका, इंसर्ट मेन्यू के अंदर, टेक्स्ट ग्रुप में,
हेडर एंड फुटर कहां पर आपका इंसर्ट मेन्यू में, टेक्स्ट ग्रुप में। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का अगर मैं प्रयोग करूंगा तो अगर मेरा क्रसर यहां पर है, कहां पर ये देखेगा, मैं मार्क कर रहा हूं यहां पर, तो इससे क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान देना, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का प्रयोग करूंगा तो पूरा का पूरा एक शब्द क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। समझ लो चलेगा, तो ध्यान दीजिएगा आपका राइट आंसर क्या आएगा, आपका कर्सर के ठीक बाद, नहीं ठीक पहले वाला, बाद नहीं, कर्सर से ठीक पहले वाला क्या हो जाएगा, बात नहीं करेंगे हम लोग, कर्सर से ठीक पहले वाला शब्द क्या हो जाएगा, हटाने के लिए। समझो ये हमारा कर्सर हो गया, मैंने कहा ना, तो यहां पर ये बिफोर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर आएगा। चलेगा शेयर कीजिएगा, सभी शेयर हो अभी शेयर कीजिएगा, 200 प्लस तो होना ही चाहिए था, चलो आज 200 प्लस नहीं आ तो 150 प्लस तो करिएगा, चलो 150 प्लस होना चाहिए, जल्दी से शेयर कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन दिया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने करा, तो आपने बताया सर जे एस किल्वी के द्वारा किया गया 1958 में। नेक्स्ट चलेंगे, ईमेल भेजते समय आपको लाइन संदेश किस विषय वस्तु के बारे में बताती है, आपको धीरे धीरे आपको क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ते दिखेगा, समझ लो क्वेश्चन का लेवल भी आपको धीरे धीरे बच्चा बढ़ते हुए मिलेगा, ठीक। तो यहां पर याद रखिएगा सब्जेक्ट, ईमेल भेजते समय जो आपका लाइन संदेश में विषय वस्तु के बारे में बताता है वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको मैंने बताया था ना, ईमेल भेजते समय पर राइट लेफ्ट हैंड साइड पर आपको कंपोज दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप टू किसको भेजना है, फ्रॉम आपका ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट, और सबसे नीचे आपको सेंड का ऑप्शन मिलेगा, आपको ए यानी कि आपको क्या मिल जाएगा वहां पर, अटैचमेंट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सेंड में क्या आएगा आपका, कंट्रोल प्लस एंटर का प्रयोग करोगे, यदि आप लोग किसी को, वह आप लोग कहां पे मेल आईडी पे हो, समझो जीमेल पे हो आप लोग, तो वहां पर क्या कर सकते हो, अगर आपको मेल सेंड करना है, सेंड के ऑप्शन को किस शॉर्टकट की से कर सकते हो, कंट्रोल प्लस एंटर का प्रयोग करेगा, सेंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वॉइस रुक गई, अभी आ रही वॉइस, अभी आ रही वॉइस, नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। हाँ वॉइस रुक गई या वीडियो रुक गया, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, यहां पर कमेंट्स करके बताएंगे आप लोग मुझे। अच्छा 42 और मैं क्वेश्चन 44 करा चुका हूं, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब ठीक है बच्चा, सब ठीक है, वॉइस नहीं रुका बच्चा यहां पर, जस्ट वन मिनट, ठीक है जस्ट वन मिनट। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44, वीडियो नहीं रुका बच्चा, वीडियो चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है ना, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका कि वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को आकार बढ़ाने के लिए हमें शॉर्टकट की का प्रयोग करना पड़ता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका ग्रेटर देन का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पहले से डला हुआ वीडियो ऑडियो पिक्चर समूह को क्या कहा जाता है, ठीक है सब ठीक है सर, वीडियो नहीं रुका था, वो इमेज रुक गई थी, हाँ नहीं मैं रुक गया था, हाँ मैं रुक गया था, वो कभी कभार हो जाता ना आपका, मैंने कहा था कि जो कंप्यूटर जो हमारा कैमरा होता है वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस में आता है, लेकिन इनपुट डिवाइस भी क्या है, ऑफलाइन इनपुट, समझ लो वो क्या आता है आपका, ऑफलाइन इनपुट में आता है। चलेगा यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा आपका, तो क्लिप आर्ट कहा जाता है उसे, क्या कहा जाता है आपका, क्लिप आर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, नई वर्कशीट बनाने के लिए शॉर्टकट की आपका शिफ्ट प्लस बच्चा आपका अल्ट प्लस F1 का प्रयोग करिएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं, तो ये भी मैंने बताया था आप लोगों को, कौन सा, सुपर स्क्रिप्ट, ये आपका डबल रिपीट हो गया। डिलीट कमांड के द्वारा किस स्लाइड को हटाया जा सकता है, तो डिलीट कमांड के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपकी कौन सी, करंट स्लाइड को ही हटाया जा सकता है, करंट मतलब जो अभी आपकी फॉर एग्जांपल के 48 भी है तो उसी को मैं डिलीट कर सकता हूं। यदि मुझे सबके सब हटानी है तो कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग करूंगा और सबके सब डिलीट हो जाएगी, सब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट बढ़ेंगे, स्लाइड में टेबल को जोड़ने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग करना होगा, तो मैं यहां पर प्रयोग करूंगा आपका इंसर्ट टेबल का प्रयोग करूंगा, इंसर्ट टेबल का मुझे प्रयोग करना होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, आज का अंतिम क्वेश्चन, एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रयोग होने वाला स्पेशल इफेक्ट को क्या कहा जाता है आपका, तो इसे कहा जाता है आपका ट्रांजिशन कहा जाता है।
तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। यहां पर मैं आपको कहता हूं कि यहां पर आपको अभी आसान क्वेश्चन भी मिल रहे, आपको लेवल के क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, लेवल को भी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आगे देखने को मिलेंगे, ये भी अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, क्योंकि देखिएगा आपके एग्जाम में आसान तो उसके लिए होगा जिसको पहले से बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं, पूरे भारत के अंदर अभी जो मूवमेंट चल रहा है उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग आपको जल्दी से एग्जाम देने का मौका मिलने वाला है, ठीक है। अब एग्जाम हो जाएगा, आप एग्जाम के लिए कितने तैयार हो उसके मूल्यांकन के लिए डेली आपको 7:30 बजे ईएडी परिवार के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। अभी आपका सिर्फ जीएस और कंप्यूटर चल रहा है, मंडे से यदि सर देहरादून में पहुंच जाते हैं फिर टेक्निकल भी शुरू हो जाएगा। और मैं आपको कह दूं कि जो बच्चा लाइव क्लास में ही रहेगा उसी को वीडियो में बच्चे आपको वीडियो देखने को मिलेगी। हम लोग कोशिश करेंगे, यदि हमारे पास 150 स्टूडेंट आते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बच्चा लाइव है उन्हीं के लिए वीडियो अवेलेबल रहेगी, बाद में अनलिस्ट कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम आपके लिए मैनेज कर सकते हैं तो आपको लाइव आने में क्या दिक्कत है। अब बहुत एक दो रेयर चांसेस होंगे एक दो स्टूडेंट के जो कहीं जॉब पे जाते होंगे या इस देखिएगा, इस वजह से हमने कोशिश करी है कि प्रैक्टिस क्लास आपका डेली शाम को लगाई जाए, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, कोई ऑफिस वाला बच्चा है या घर का काम भी कर रहा हो या अदर काम भी कर रहा हो, सब कुछ निपटा के शाम को प्रैक्टिस कर सकता है, फिर भी आप लोग लाइव नहीं आते हो। और यदि कहीं पे ब्रेक हो जाता है तो आप कहते हो कि सर क्लास आपने ब्रेक कर दी, तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाइव रहना, ठीक है। रमन सर की क्लास भी जल्दी से हो जाएगी, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मोहित कुमार जी ने कहा कि हैप्पी टीचर्स डे कहा है, तो अपनों में आप सभी को कहना चाहूंगा कि पूरे ईडी परिवार की तरफ से और हमारी तरफ से आपको टीचर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जितने भी स्टूडेंट पढ़ाए जा रहे हैं उनको एग्जाम का मौका मिले जल्दी और उनका सिलेक्शन हो और वो जल्दी से जल्दी बच्चा ईडी परिवार को अपनी खुशखबरी सुनाए, किसके सिलेक्शन की, ठीक है। तो पूरे एडी परिवार की तरफ से और आरके रमन सर की तरफ से भी मैं आप लोगों को या टीचर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और शुभकामनाओं के साथ साथ आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। धन्यवाद।